हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं स्पेशली आपको वो बताऊंगा, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इलाके होते हैं या प्लेसेस आप कह सकते हैं जहाँ पे गर्मी होती है सर्दियों के मौसम में भी, और वहाँ पे बहुत ही कम हमारे यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है पर वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई रहता है। उनके लिए कौन से पौधे जो बेस्ट रहते हैं फ्लावरिंग के लिए और जो आपको फूल भी बहुत अच्छे दें और आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर ग्रो भी करें जहाँ पर आप इनको लगाएंगे, उसके बारे में बताऊँगा। सो इस वीडियो को देखना एंड तक बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो मेरी वीडियो है ये भी मेरी पहले की ही वीडियो है क्योंकि मैंने कैप्चर करके रखी थी, क्योंकि काफ़ी बार जो विंटर सीजन में भी ये पौधे लग जाते हैं इसलिए मैंने ये कैप्चर की थी। यहाँ पे सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हो हमारे पास जो पौधा है इसका नाम है जीनिया। जीनिया जो एक फूलों वाला पौधा है, जैसे आपको इस पौधे के बारे में पता होगा ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। अगर आप इसको बीज से ग्रो करोगे तो ये 2 या 3 दिन में ग्रो हो जाता है। जो आप ये वाली दोस्तों वैरायटी देख सकते हैं इसको कहते हैं जीनिया बैनरी जाइंट, जिसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इसकी जो लेंथ है इसके फूल भी बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिवली। और इसको ग्रो करने के लिए दोस्तों हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि इसकी जो वाटरिंग कंडीशन है वो हमेशा सही रखें। कोई भी पौधा हो, चाहे जीनिया हो चाहे कोई भी और पौधा हो, अगर आप उसको पानी सही ढंग से दोगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपके यहाँ पे बहुत अच्छे फूल निकालेगा। जो जीनिया का पौधा है बेसिकली इसको जो काउडर कंपोस्ट है बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। सो जब भी इसका पौधा लगाएं पहले उस सॉइल में 30% काउडर कंपोस्ट डालें, जो कि फुली डीकम्पोस्ट होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ ही दोस्तों मुझसे ये भी पूछा गया कि आपने जो ड्वार्फ साइज़ है जो कौन सी वैरायटी लगाई थी जो जीनिया की, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर कितने सारे फूल आ रहे हैं जो ड्वार्फ वैरायटी है। इसका नाम है ज़हारा मिक्स, जो कि पैन अमेरिकन के सीड से आते हैं इसके सीड्स, और इसके सीड्स आपको अभी नहीं मिलेंगे। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करें और आपके वहाँ पे सीड्स एंड पॉट्स वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। पर अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आप ये ध्यान रखें आपके यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई होना चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, और ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देते जीनिया। सिर्फ इनकी वाटरिंग कंडीशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे मैंने इनको 3 बार भी पानी दिया है समर सीज़न में जब ये सूख जाते थे, और तभी उसके साथ ये बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे। और दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्लांट है उसका नाम है कोलियस। कोलियस जो है मेरे पास 2 या 3 रंगों का होगा, ये भी बहुत आसानी से आपके यहाँ पे क्लाइमेट में चल जाएगा अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर समवेयर बिटवीन 34 to 38 degrees Celsius रहता है, और उसके साथ आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से ये अपने पत्ते निकालेगा। और इसके साथ ही दोस्तों एक परमानेंट पौधा भी आता है जिसका नाम है हाइबिस्कस। जैसे आपको पता ही, आपने काफ़ी उन्हें ग्रो भी किया होगा, जो परमानेंट पौधे होते हैं उसमें जो हाइबिस्कस है ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जो आप कभी जब मर्जी चाहे लगा सकते हैं, और उसके साथ आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया तरीके से होती है अगर आप इसको भी वाटरिंग है बहुत अच्छे से देते रहें। हिबिस्कस में दोस्तों जब ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है उसके साथ क्या होता है, बर्ड फॉल होने लग जाती है। इसके लिए अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है 40+ है तो आप इसको हमेशा ग्रीन नेट के नीचे रखें, अगर उससे कम है तो आप ये नॉर्मल सनलाइट में आपके यहाँ पर ब्लूमिंग करेगा। और इसको टाइम टू टाइम अगर आप फर्टिलाइज़र देते रहें, क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है, सो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आप NPK दे सकते हैं 90-90-19, उसके साथ कोई और भी अगर आपके पास है तो आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपको एक तरह का पूरी तरह से इसमें जो फ्लावरिंग है वो ज़्यादा देगा। और दोस्तों इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी पौधे आपको दिखेंगे जैसे डेंथस है। डेंथस मैंने क्यों आपको दिखाया, क्योंकि जो डेंथस है ये हमारे यहाँ पे विंटर सीजन में भी चलता है, और सिमिलरली ये हमेशा आप हमारे गर्मियों में बचा रहता है अगर आप इसको अच्छे से वाटरिंग करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सेलोशिया का पौधा है जो आप देख सकते हो, जिसको हम कॉक्सकॉम भी बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा पौधा है। अगर आपके यहाँ पर विंटर चल रही है तब भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर समर चल रही है तब तो आप इसको ज़रूर ग्रो करें क्योंकि बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी द्वार पर इसकी हाइट है, पर कितने ज़्यादा इसको फूल आए हुए हैं, जिस कितना बड़ा इसका फूल है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, इसके भी सीड्स आप परचेज कर सकते हैं। और हमेशा मैं यही कहता हूँ दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने से पहले हर एक प्लांट की वाटरिंग कंडीशन समझें, कैसे आप उसको पानी देते हैं और कैसे आपके यहाँ पे घर पे ग्रो कर सकता है। और जीनियाज़ में तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जीनिया के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एवरीडे कि आप कौन सी वैरायटी लगाते हो। मैंने आपको दोबारा से बता दिया कि आप वैरायटी जीनिया ज़हारा मिक्स है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। और हमारे पास जो दोस्तों नेक्स्ट वन प्लांट है उसका नाम है विंका।
विंका में भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। जैसे विंका जो है समर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होता है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा अगर आप इसको ग्रो करना चाहो। और दोबारा से यहाँ पे आपको जीनिया दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा जीनियास थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने फूल निकाले हैं और इनकी सीड प्रोडक्शन भी हुई थी जो मैंने सेव करके देखी थी, पर अभी मैंने वो सीड्स लगाए नहीं, अभी लगा के देखेंगे अगर वो लग गए। और जो बड़े वाले जीनियास, इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत जल्दी पानी सोख लेते हैं और उसके बाद अगर इनको टाइम पर पानी ना मिले तो ये बहुत जल्दी पत्ते अपने पूरी तरह से बर्न कर लेते हैं, या फिर क्या होता है एक या दो फ्लावर के बाद इसकी जो ब्रांचेज है वो बहुत ही ज़्यादा थिन आने लग जाती हैं, जो नीचे को बेंड होती हैं और उसके साथ फ्लावर की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वन प्लांट है जिसको हम मॉस रोज़ कहते हैं। ये तो हर एक के घरों में पाई जाती है क्योंकि ये पिंक कलर इसका मोस्ट कॉमन जो प्लांट है। और इसमें क्या है, इसकी एक कटिंग लगाओगे तो आपको 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा फूल मिलने लग जाएंगे, इसलिए ये भी आप लगा सकते हैं मॉस रोज़, ये हैंगिंग बास्केट्स में भी चल जाती है। और दूसरे भी पौधे होते हैं दोस्तों, पर मैंने यहाँ पे अपने घर पे सिर्फ यही ग्रो किए थे जिसमें मुझे इजी टू मेंटेन भी लगे और इजी टू केयर भी लगे और इनकी फ्लावरिंग भी साथ ही साथ लेस केयर के साथ होती रही। सिर्फ इनकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करें, हमेशा पानी है जो अगर आपके पौधे को सफिशेंट क्वांटिटी में मिलेगा, जैसे ना ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा, और उसके साथ क्या होगा आपका पौधा हमेशा हेल्दी स्टे करेगा और हमेशा आपके पौधे पर ब्लूमिंग होती रहेगी। और आप भी ज़रूर ग्रो कीजिए जीनिया के बारे में, मैं मेरे पास अगर कोई सीड्स बचे हुए तो मैं आपको ग्रो करके भी दिखाऊंगा, अदरवाइज़ आप मेरी लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने बताया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।